ड्रामा है, मुसलमानों पे पतंग उड़ानी बंद कर दो, होश में आ जाओ, भारत की फिक्र करो, महिलाओं की फिक्र करो, रोजगार की फिक्र करो, जीडीपी की फिक्र करो, ये मंदिर में घंटे बजवाना, ये भगवा बंदरों को कुदाना और ये सड़े हुए संतरों की मार्केट सजाना बंद करो। बुलडोजर तो जब जब जाएगा वापस जाएगा। मैंने तो खुद कहा था किसी के बाप में हिम्मत है कि शाहीन बाग की तरह नजर उठा कर देगा। उसने कहा कि भाई साहब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, हम इसको नहीं चला सकते। तो हमने उसको बोला आप लेकर क्यों आए बुलडोजर को, तो उसने बोला जब मैं बुलडोजर को स्टार्ट करता हूँ तो इसको जब ये स्टार्ट करता हूँ तो इससे ज्यादा जो वाइब्रेट होता है मेरा दिल होता है। तो मैंने पूछा क्यों होता है, तो उसने बोला मैं शाहीन बाग में खड़ा हुआ इसलिए होता है। तो मैंने इसको बंद कर यहाँ से लेकर जा, तो उसने बोला देखो मैं भी ऊपर से ऑर्डर है कि थोड़ा माहौल क्रिएट करना है, मीडिया आएगा, न्यूज बनेगी, टीआरपी बनेगी, तो आप लोग भारत को जो मुसलमान है वो कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग नहीं आ पाएंगे, बुझा देंगे। भारत का मुसलमान भारत के दिलों में बसता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमाए कराम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जाकर देखिए इंडिकेट पर 93,000 लोगों में से 65,000 मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मुसलमानों का है, ये शाहीन बाग मुसलमानों का है। शाहीन बाग का मतलब है सभी मजहब सभी जात के लोग यहाँ पर रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। जब हमारी ईद होती है तो वो हमारे साथ गले मिलते हैं, जब उनकी दिवाली होती है तो हम उनके साथ मिलते हैं, यहाँ पर सब अमन चैन से रहते हैं। कहते ना जो गरजने वाले होते हैं बरसते हैं, जो बरसने वाले होते हैं गरजते हैं। तो ये इनके ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, तो भौंक रहे थे शाहीन बाग जाएंगे, शाहीन बाग जाएंगे, शाहीन बाग जाएंगे, आए चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है शाहीन बाग में कुछ चीज इलीगल है ही नहीं, सारी लीगल है। एक छज्जा था वो पाइप लाइन का बना रखा था शेडो टाइप का, उन्होंने खुद उतार लिया है। तो यहाँ के एमएलए साहब खुद कहते चले गए अगर यहाँ पर कोई इलीगल चीज है हम खुद हटवा देंगे। तो ये ड्रामा है, मुसलमानों पे पतंग उड़ानी बंद कर दो, होश में आ जाओ, भारत की फिक्र करो, महिलाओं की फिक्र करो, रोजगार की फिक्र करो, जीडीपी की फिक्र करो, ये मंदिर में घंटे बजवाना, ये भगवा बंदरों को कुदाना और ये सड़े हुए संतरों की मार्केट सजाना बंद करो। थैंक यू। मैं तो जानी भाई मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह लगातार अतिक्रमण सरकार कह रही है कि पहले जहांगीरपुरी को निशाना बनाया अब शाहीन बाग, सिर्फ ही मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है। ये एमसीडी का इलेक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, एक पॉलिटिकल स्टंट है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए करा जा रहा है। और आप देखिए शाहीन बाग में 3 बार बुलडोजर आ चुका है, ईद के बाद तीन बार वापस चला जाता है, उनको खुद ही पता कि वो क्या तोड़ें, क्योंकि जब तोड़ने लायक कुछ होगी तोड़ेंगे ना। और ये सारा जितना भी स्ट्रीम मीडिया है आके चीखम चिल्ली मचाता है, यहाँ पर तोड़ने लायक कुछ चीज़ नहीं। और यहाँ के जो एमएलए साहब है, जो आप पार्टी के हमारा साहब, उन्होंने खुद कहा है अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ इनलीगल होगी तो एमएलए साहब खुद तोड़वा देंगे। तो ये ड्रामा है, सिर्फ मुसलमानों पर पतंग उड़ाना बंद करो। दिल्ली में कुछ जगह ऐसी सामूहिक जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है वहाँ उसको निशाना बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे मैडम? एक चीज बताइए, क्या कहना चाहेंगे मैम? तो बुलडोजर तो जब जब जाएगा वापस जाएगा। मैंने तो खुद कहा था किसी के बाप में हिम्मत है कि शाहीन बाग की तरफ नजर उठा कर देख ले। अच्छा। तो मैं तो 15 दिन से कह रही हूँ भाई वाली बात, तो ये तो आएंगे वापस जाएंगे खामखाई। मोदी जी पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करना बंद कर दो, उसमें जेसीबी में पेट्रोल हमारा ही डलता है, जनता का ही डलता है, आते हो जेसीबी लाते हो वापस चला जाता है। तो नौटंकी करना बंद करो। शाहीन बाग में हेमंत जी आप मुझे ये बताइए कि बुलडोजर आया था तो हमने पूछा भाई ये बुलडोजर चलता क्यों नहीं है, थोड़ा चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। तो उसने कहा कि भाई साहब पेट्रोल 110 रुपए लीटर है, हम इसको नहीं चला सकते। तो हमने उसको बोला आप लेकर क्यों आए बुलडोजर को, तो उसने बोला जब मैं बुलडोजर को स्टार्ट करता हूँ तो इसको जब ये स्टार्ट करता हूँ तो इससे ज्यादा जो वाइब्रेट होता है मेरा दिल होता है। तो मैंने पूछा क्यों होता है, तो उसने बोला मैं शाहीन बाग में खड़ा हुआ इसलिए होता है। तो मैंने उसको बंद कर यहाँ से लेकर जा, तो उसने बोला देखो मैं भी ऊपर से ऑर्डर है कि थोड़ा माहौल क्रिएट करना है, मीडिया आएगा, न्यूज बनेगी, टीआरपी बनेगी, तो आप लोगों की टीआरपी के लिए। तो मैं वही आपने देखा सुबह से बुलडोजर कितना चलता है, इतना चलता है फिर रुक जाता है, फिर इतना चलता है फिर रुक जाता है। ड्राइवर था भाई साहब बंगाली, मैंने पूछा दादा ये बुलडोजर चलता क्यों नहीं है, उसने बोला दादा ये 110 रुपए पेट्रोल है तो नहीं चल सकता है। जब यहाँ कार्रवाई होनी नहीं थी फिर आने का क्या तुक बनता? मैं वही तो बता रहा हूँ, मुद्दा तो 9 नंबर से 3 नंबर तक का था सर, मुद्दा जो पिछले 3 महीने से चल रहा है 9 नंबर से 3 नंबर तक का था मुद्दा, इस चीज का था। वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जो अपना आगे कब्जा कर रखा है, कब्जा क्या कर रखा है, ओखला की आबादी 4.5 लाख, जब आबादी बढ़ती है तो रोड चौड़े होते हैं, यहाँ पर रोड पतले हो रहे हैं, खुद ओखला के लोग परेशान थे कि इसको चौड़ा किया जाए। अरे सर एक चीज बताइए, ये जो है ये तो जब से 47 से देश आजाद हुआ है, आपका भी घर बना हुआ तो आपने कैसे बनाई, ईंट ऐसे पैक के घर बना दिया था आपने, मकान बनाई होगी, बल्ली लगाई होगी, सरिया लगाई होगी, कुछ तो लगाया था, ये क्या कर रहा था मुझे बताइए आप? किसी देख रहे हैं डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सबको सबका अधिकार मिले, इंसाफ मिले। जितने लोगों से पूछा हूँ बताइए, ऐसे बिजबुकरू बन जाएंगे आप?
नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर ऐसी किसी घर तोड़कर, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप प्रूफ के साथ सवाल उठकर सामने आ रहे हैं, तो सरकार को भी सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि हमारे पास ये ऑर्डर है, हम इसको तोड़ रहे हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो उन सवालों के जवाब भी जनता मांग रही है, तो उन सवालों के जवाब दे। मैं कह दूं नहीं भाई, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदल रहे हैं। विंडोजर क्या सिर्फ यहाँ डराने के लिए, दहशत फैलाने के लिए? नहीं, मैं सुबह से यही बात कह रहा हूँ, भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि भारत को जो मुसलमान है वो कोई जमीन पर जलता हुआ चिराग नहीं आ पाएंगे, बुझा देंगे। भारत का मुसलमान भारत के दिलों में बसता है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमाए कराम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। जाकर देखिए इंडिकेट पर 93,000 लोगों में से 65,000 मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मुसलमानों का है, ये शाहीन बाग मुसलमानों का है। शाहीन बाग का मतलब है सभी मजहब सभी जात के लोग यहाँ पर रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। जब हमारी ईद होती है तो वो हमारे साथ गले मिलते हैं, जब उनकी दिवाली होती है तो हम उनके साथ मिलते हैं, यहाँ पर सब अमन चैन से रहते हैं। अगर आप शाहीन बाग का मुद्दा बनाकर भारत के जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, तुम हमें वोट दो, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स अपनाएंगे तो याद रखिए, जिस तरह आज भी आप देख रहे हैं सुबह से गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं, क्यों लगे? क्योंकि हटाया भी तो आपने, क्या हटाया? उन्होंने कहा था पोशाक से पहचाने जाएंगे, तो आप देखे अभी दलित बेटी का रेप हुआ था, किसने किया था बताइए? दिल्ली में आपका देख लीजिए, चार बंदों ने रेप किया, पोशाक से पहचानिए आप। अभी जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने क्या नाम है, आप लोग भगवा झंडा लहराते हैं, तो हम तक कहते हैं मोदी जी से कि जो लोग पोशाक से पहने जाएंगे उनको लेके यूएन लेके जाइए और उनको बताइए कि देखिए भारत में जो भगवा झंडे वाले हैं मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गंदा सुअर का गोश्त फेंक रहे हैं, आप तो बताइए ना, रोका किसने, आप मना किसने किया, बोलिए। ये कहा था कि पहले पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद मस्जिद में, देखिए पहले पत्थरबाज कश्मीर के बदनाम थे, फिर बिहार में छात्रों ने पत्थर फेंके तो इनको लगा यार ये तो गलत हो गया, अब तो हिंदू भी मानने लगे पत्थर, अब क्या करें? तो अब इन्होंने कहा एक काम करते हैं, शाहीन बाग चलते हैं, वहीं से थोड़ा माहौल क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब देश में चुनाव आ रहे हैं, अब ऊपर से क्या है योगी जी के साथ सामने एक मुद्दा है कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनना है, उधर से जो दो गुजरात के हैं उन्होंने कहा भाई एक तो बन गए प्रधानमंत्री, अब दूसरे को बनाएंगे, दूसरा कह रहा भाई तीसरा यूपी में, अब क्या माहौल क्रिएट करें? तो एक काम करो बुलडोजर लेकर चलो, बुलडोजर से लोगों का ना पूरा माइंड डाइवर्ट कर देंगे, उसमें क्या आप जैसे ये हिंदू हैं तो ये तो मुझे वोट नहीं करेंगी, मोदी जी को करेंगी, क्योंकि मोदी ने शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाया। योगी ने कहा था कि मई जून में गर्मी निकलेगी, वही गर्मी। देखिए मैं योगी जी को कहना चाहता हूँ, गर्मी पड़ रही है, आप सुबह उठ के दो नारियल पीजिए, इससे आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, उत्तर प्रदेश का माहौल भी ठीक रहेगा। उन्होंने बोला था कि बटन यहाँ दबाओ, करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए। नहीं तो शाहीन बाग में हमने भी तो इतनी तेज तो बटन दबाया, दिल्ली में देखा नहीं आपने 70 में से 62 सीट आई हमारी, आई कि नहीं आई? उनकी 8 रह गई, उनका बटन तेज दबता तो उनकी 62 आती, 8 हमारी आती।